Ding 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 ding. अस्सलाम वालेकुम, आज हनी सिंह की सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे हनी सिंह। लेकिन हमारे मुल्क में तो क्या होगा, हनी सिंह की सालगिरह विश की, तूने उसको दुआ दी कि वो तरक्की करे, तू एक काफिर हो गया। अब मेरी समझ ये नहीं आती कि अगर आपने हनी सिंह के गाने अपनी गाड़ी में सुने कभी, आप अगर आपने मेहंदी पे सुने, अगर आपने कभी भी किसी तरह भी उससे एंटरटेनमेंट ली है, आपको मज़ा आया उसके गाने सुन के, तो आप उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट का कोई मज़हब नहीं होता, हिंदू क्रिश्चियन शोबिस कोई चीज़ नहीं होती। या ये बताएं, इस्लाम के मुताबिक मेहंदियों में डांस करना किस तरह से, किस इस्लामिक रेफरेंस से साबित होता है? कल्चर के नाम पर डांस कर रहे हो तो फिर रुकते क्यों नहीं हो इन चीज़ों को? अपने बच्चों को भी कंफ्यूज कर रहे हो जो बेचारे हनी सिंह पे डांस करते हैं, लेकिन अगर आज वो हैप्पी बर्थडे हनी सिंह लिख देंगे तो आप बोलेंगे उसको दुआ नहीं दो, वो सही नहीं है, वही हूँ, वही है, इल्यूमिनाटी है। एक तो इल्यूमिनाटी समझ नहीं आ रहा, किस पे, किसने बता दी, क्यों कभी देखा नहीं है, किसी ने सुना नहीं है, बस गूगल पे सर्च किया, ओ इसके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब इल्यूमिनाटी है, ये साइन लिविंग ऑन दी एज का है, मैंने खुद बनाया है, किसी जगह से नहीं आया, अबे कहाँ देखा तूने इसके अलावा ये साइन, ये देखा होगा, ये देखा होगा, ये देखा होगा, ये देखा होगा, ये लिविंग ऑन दी एज का साइन है, लोगो है, दैट्स इट। अगर इससे शक्तियाँ मिलती हैं और इल्यूमिनाटी होते तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। अब बोलेंगे अब मैंने हनी सिंह के हैप्पी बर्थडे की बात कर दी है, कहेंगे अगर ऐसे वीडियो बनाता हूँ ना भाई मैं कमरे में, तो कहते इल्यूमिनाटी, एक आंख दिखा रहा है वो भी इल्यूमिनाटी, ये भी इल्यूमिनाटी, यू बना रहा हूँ तो अपना घर दिखा रहा है। अरे क्या घर दिखा रहा है, अबे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा। अरे भाई देखो ये क्यों, मैं इतनी मेरी अंदर एक खार क्यों चढ़ रही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा हम पाकिस्तानी कब तक एक दूसरे से इतनी नफरत करते रहेंगे। हाँ मैंने भी पोस्ट किया है कि भाई इंडियन फिल्में पाकिस्तान में जब लगनी चाहिए, जब हमारी फिल्में वहाँ लगे, हाँ यहाँ पर जब इंडियन चैनल्स खुलने चाहिए, जब वहाँ हमारे चैनल्स भी सही तरह चले, इसलिए कि ये रेवेन्यू का मसला है, आर्टिस्ट के पैसों का मसला है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इनकी चीज़ें बुरी हैं, मैंने हमेशा कहा है इंडियन हमसे आगे हैं इन चीज़ों में, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनसे अच्छा काम करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा इस्लाम कहता है कि तुम ड्रामे बनाओ, गाने बनाओ, कौन सा इस्लाम कहता है? अगर आप वो बना रहे हो तो कौन सा मज़हब फॉलो कर रहे हो, और अगर ये एंटरटेनमेंट में जा रहे हो तो इस्लाम लाके किसी को काफिर क्यों बोल देते हो, किसी को ये क्यों बोलते हो कि इसको बद्दुआ दे, इसको बद्दुआ दे, क्यों? नफरत करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। ये कैसे लेकर आते हो तुम पाकिस्तानियों? और देखो अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी एंटरटेनमेंट लिया है हनी सिंह से, कभी भी आपको मज़ा आया, तो उसको सालगिरह विश करने में, उसकी अच्छाई करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर आपको कोई नहीं पसंद उसे इग्नोर कर दो, लेकिन नहीं, अब ये मेरी वीडियो के अंदर बोलेंगे इसने ऐसे क्यों बात की, इसने ये क्यों किया, इसने कैमरा यूँ क्यों रखा, इसने यूँ क्यों रखा, इसने ये पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें। इतनी मेहनत अगर आप कहीं और कर लें तो मतलब साइंस के तरक्की में कोई काम कर लें, अमेरिका नासा बना रहा है के अंदर काम कर रहा है, कुछ और कर रहा है, अब इसको पकड़ लेंगे, देखो इसने ना नासा करके यूँ बोला था, भाई हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दुनिया की तरक्की में, सिवाय नफरतें नफरतें, हर एक की बुराई, हर एक की बुराई, हर एक की बुराई, क्यों? जो नहीं पसंद उसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो। अगर पसंद है और अगर आपको मज़ा आया है तो ये नहीं सोचो कि आपके दोस्त क्या सोचेंगे इसको अगर आपने सपोर्ट कर दिया कहीं भी। मसला ये जो प्यार करने वाले हैं वो सिर्फ इनबॉक्स में मैसेज भेजते हैं, नफरत करने वाले पब्लिक में डाल रहे होते हैं। अबे भाई किसी से मज़ा आया, किसी को देखकर तुम्हें अच्छा लगता है तो उसको सपोर्ट करो। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि यार इससे आपको एंटरटेनमेंट मिली है तो आप उसे और ज़्यादा जाके पब्लिक में जाके, आपके दोस्त कुछ भी बोले, बोलो भाई मुझे मज़ा आ रहा है, वो सही लगता है मुझे, ख़त्म हो गई बात। देखो यार इस तरह करते हो तो दूसरे में एनर्जी आती है काम करने की, वरना बंदा ख़त्म हो जाता है। अब खुदा के वास्ते मेरा सिर्फ एक मकसद है, अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हो तो सूरह हुजरत जाके पढ़ लो ज़रा, उसमें लिखा है आप किसी के निकनेम नहीं रख सकते, किसी के बारे में बुराई नहीं कर सकते। कितनी दफ़ा ये बात समझाई है, किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, तो आप सोशल मीडिया पे किस तरह मजाक उड़ाते हैं अगर आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं? हुक्म है ना ये तो नहीं कहा, ये ऑप्शन है अगर आप ये कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे तू भी तो करता है, अबे तुम अपना तो देखो पहले। अब इसके नीचे वीडियो पे उल्टे पुल्टे कमेंट करके साबित कर दो कि तुम सूरह हुजरत के अंदर जो लॉ बताया हुआ है इस्लाम में कि आप दूसरे के निकनेम नहीं रख सकते, दूसरे के बारे में उल्टी बात नहीं कर सकते, किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, ये सही बात है। मतलब नीचे पोस्ट, अब जो पोस्ट करोगे तुम कमेंट्स, कोई भी बात लिखोगे, किसी किस्म का भी मजाक करोगे, किसी तरह का भी करोगे, वो जस्टिफाई होता है? भाई मैं तो इल्यूमिनाटी हूँ ना, मैं तो इल्यूमिनाटी हूँ, मैं तो शैतान हो गया, तुमने बताया, तुम ही लोग कहते हो, पता नहीं कहाँ से तुम लोगों ने एक अंदाजा लगा लिया, कोई रैंडम आके कुछ भी बोल के चला जाता है और तुम बोलते नहीं ये इल्यूमिनाटी हो गया,
बोलो नटी हो गया। अभी जिसने मुझे देखा नहीं, मिला नहीं, वो मेरे बारे में कोई बात। खैर पॉइंट ये है, हमारे मुल्क में और इंडिया में भी शायद यही चक्कर है कि हर किसी की तनख्वाह या पैसे कमाने की एबिलिटी जो है वो समझे 2-3 लाख रुपए महीने पाकिस्तानी कमाता होगा। वो जब भी आप किसी को ज़्यादा पैसे कमाते देखते हैं या ज़्यादा इस तरह देखते हैं चीज़ें लेते हुए, तो आपको लगता है यार सारे मेरे आसपास के लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, ये ज़्यादा जो कमा रहा है इसके पास शैतानी ताकत है, ये करप्शन है। हर कोई ऐसा नहीं होता मेरे भाई, उससे आपको सीखना चाहिए। ये अच्छा कमा रहा है, चलो यार अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ज़रा ये बता दें किस तरह हुआ यार, मैं 2 लाख कमाता हूँ, मैं भी 20 लाख रुपये महीना कमाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे आप समझाएं। आप कहते नहीं, इसकी टांकी जो नीचे करो। मतलब YouNow.com पे न्यूयॉर्क की कंपनी ने अगर मुझे हायर किया है, उनको लोग ईमेल कर रहे हैं, वकार तक सही इंसान नहीं है। अबे वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी नेशनैलिटी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती होती है। वो कहते हैं ये कौन सी कौम है जो अपने ही लोगों की बुराई हमें भेज रही है। मतलब लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं हर जगह, हमारे लोग बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई। वो कहते हैं ये कौन सी कौम है जिसको बुराई करने में इतना मज़ा आता है। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं हो सकती, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये आवाम को इग्नोर करना होगा। आपको एक चीज़ नहीं पसंद, आप ना देखें। अगर आप बुराई लिख रहे हैं तो सूरह हुजरत में बता दें क्या लिखा हुआ है। भाई मैं तो इल्यूमिनाटी हूँ, तू तो मुसलमान है ना, तू तो मुसलमान है ना, तो तू क्यों ऐसी बात लिखेगा। चल तू अब बता दे मुझे, हनी सिंह हैप्पी बर्थडे टू 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 टू। यार गाने बनाओ भाई, किधर गायब हो गए, कहाँ चले गए, किधर गायब हो भाई।